प्रिय भाइयों और बहनों, संत योसेफ महागिरजाघर के प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु येसु का जन्म मानव जाति के प्रति ईश्वर का अपार प्रेम है। इस प्रेम, दयालुता और कृपालुता को मानव तक पहुंचाने के लिए ईश्वर ने अपने एकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, जिससे संपूर्ण मानवता प्रभु येसु के नाम से जानती है। जैसा कि पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उनका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रभु येसु इस दुनिया में शांति का पैगाम लेकर आए और उन्होंने यही चाहा कि सारी मानवता इस शांति का अनुभव अपने जीवन में करें। शांतिदाता प्रभु येसु आप सबके साथ रहें और आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। क्रिसमस का पर्व हमें शांति का संदेश देता है और प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि इस शांति को सारे संसार में फैलाएं। हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है क्रिसमस पर आधारित एक नृत्य नाटिका, शांति दाता येसु। शांति दाता येसु, शांति दाता येसु, शांति दाता येसु। यीशु आया नाजरी नाम लेकर, आया आया चांदनी रात लेकर, यीशु आया नाजरी नाम लेकर। जागो जागो ओ मनवा, जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा, जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा, जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा, जागो जागो। झुमा झुमा नव दिन रोशनी लेकर, देवदूत गए प्रभु वाणी लेकर, झुमा झुमा नव दिन रोशनी लेकर, देवदूत गए प्रभु वाणी लेकर। जागो जागो ओ मनवा, जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा, जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा, जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा, जागो जागो। जन्मा मसीहा गोशाला में, लेटा वो माता के गोद में, जन्मा मसीहा गोशाला में, लेटा वो माता के गोद में। आए गड़रिये नाच झूमे, आराधना में सर झूमे झूमे, आए गड़रिये नाच झूमे, आराधना में सर झूमे झूमे। आया आया चांदनी रात लेकर, यीशु आया नाजरी नाम लेकर, आया आया चांदनी रात लेकर, यीशु आया नाजरी नाम लेकर। जागो जागो ओ मनवा, जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा, जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा, जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा, जागो जागो। झुमा झुमा नव दिन रोशनी लेकर,
जब दिन रोशनी लेकर देवदूत गए प्रभु वाणी लेकर जागो जागो ओ मनवा जागो 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 देओ के स्वामी आए हैं मानव शिशु बन आए हैं देवो के स्वामी आए हैं मानव शिशु बन आए हैं चलो बुला रहा यीशु बुला रहा जागो जागो मनवा जागो जागो चलो बुला रहा यीशु बुला रहा जागो जागो मनवा जागो जागो आया आया चांद निरात लेकर यीशु आया नाजरी नाम लेकर आया आया चांद निरात लेकर यीशु आया नाजरी नाम लेकर जागो जागो ओ मनवा जागो 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 झूमा झूमा नव दिन रोशनी लेकर देवदूत गाए प्रभु वाणी लेकर झूमा झूमा नव दिन रोशनी लेकर देवदूत गाए प्रभु वाणी लेकर जागो जागो ओ मनवा जागो 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 चारों तरफ खुशियों का माहौल है, हर तरफ सजावट है, तारे हैं, सेंटा क्लॉज है। लोग कहते हैं प्रभु येसु हम सब के लिए शांति और भाईचारा लाए थे, लेकिन मेरे जीवन में क्या है? मेरे पापा 6 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ का 3 साल पहले देहांत हुआ और मैं इस अनाथालय में हूं। प्रभु येसु, क्या शांति मेरे लिए नहीं थी? क्या बात है रॉकी, क्यों उदास हो? क्या सोच रहे हो? जॉन, मेरे मन में मेरे जीवन और दशा को देखकर बड़ी अशांति उत्पन्न हुई है। क्या तुमने इस दुनिया का अमानवीय व्यवहार नहीं देखा है? यहां कोई किसी पर विश्वास नहीं करता और शांति, मुझे तो सब तरफ अशांति ही अशांति दिखती है। बस 15 मिनट और फिर सारी रोशनी मद्धम कर दी जाएगी और फिर हम क्रिसमस मनाएंगे। हैप्पी क्रिसमस डे टू यू। अरे भाई, तुम दोनों इतना मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आज क्रिसमस है? कौन सी बड़ी बात है, आज क्रिसमस की शाम है और हम यहां बैठे हैं टॉफी की खाली डिब्बे और पुराने कपड़ों के साथ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि सेंटा क्लॉज रात में बच्चों के घर आते हैं? मुझे तो नहीं लगता, और वो भी इस गंदे अंधेरे अनाथालय में। वो क्यों आएंगे? अरे जॉन,
वैसे तो मैं यहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ, पर सचमुच मैंने सेंटा क्लॉस को कभी देखा तो नहीं, पर मुझे ये जरूर पता है कि क्रिसमस की सुबह यहाँ हमें कई गिफ्ट मिले हैं। इन्हें कब और कौन लाया कुछ नहीं पता, पर क्या तुम्हें लगता है कि क्रिसमस का महत्व केवल इन तोहफों, कपड़ों और मिठाइयों तक ही सीमित है? ये तो हर फालतू बात पर भी भरोसा करता है। चलो आज मैं तुम्हें 2000 साल से भी पहले की एक बात सुनाता हूं। जब एक छोटे से बच्चे के रूप में क्रिसमस का सबसे बड़ा तोहफा दुनिया में आया। क्रिसमस पर छोटा सा बच्चा तोहफा, ये क्या बात है? चुप रहो रॉकी, प्लीज चुप रहो। बहुत समय से किसी ने हमें कोई अच्छी कहानी नहीं सुनाई। हाँ, माँ से ही आखिरी बार कहानी सुनी थी, पर उनके बाद किसी ने हमें कोई कहानी तो क्या, प्यार से दो बातें तक नहीं कही। क्या तुमने कभी बाइबल पढ़ी है? नहीं, कभी नहीं, पर मैंने आज चर्च में ढेर सारी देखी थी। बिल्कुल ठीक, इसमें लिखा हुआ हर शब्द प्रभु के मुंह से निकला है। ये ही हमें उस बहुत विशेष और चमत्कारी बालक के बारे में बताती है जिसका नाम येसु था। वो बालक धरती पर हमारा राजा बनकर आया था और उसी से हमें प्रेम, शांति और असीम हर्ष का संदेश प्राप्त हुआ था। अरे ये सब बकवास है, क्रिसमस से इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं है। ये शांति, प्रेम, भाईचारा, विश्वास, भरोसा, ये सब किताबी बातें हैं। इनके बारे में सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मतलबी है, खुदगर्ज है, कोई किसी का नहीं। बात बहुत पुरानी है। कैसर अगस्तस राजा ने फरमान जारी किया है कि सभी लोगों की जनगणना हो तथा उन पर कर लगाया जाए। इसलिए सभी लोग अपने नगर की ओर चल दिए। नाजरेत शहर के पास की जगह गैलीली से यूसुफ भी दाऊद के नगर बेतलेहम की ओर अपना नाम लिखवाने चल पड़ा। यूसुफ के साथ उसकी गर्भवती पत्नी मरियम भी थी जिसकी कोख में प्रभु येसु थे। और जब वे बेतलहम में थी तभी मरियम की गर्भावस्था पूर्ण हुई, पर उन्हें सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी ताकि बालक को जन्म दे सके। समय नहीं बचा है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमें जल्द ही कोई सुरक्षित जगह पर पहुंचा दे। मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत तकलीफ में हो और थक भी गई हो। शायद इस घर में हमें थोड़ी जगह मिल जाए। ये सज्जन शायद इस सराय के मालिक हैं। भाई, क्या आपके पास कोई खाली कमरा है? मुझे माफ करो भाई, यहां कोई कमरा खाली नहीं है। कृपया समझने की कोशिश करिए महोदय, मेरी पत्नी के गर्भ का समय पूर्ण हो चुका है और वो किसी भी समय बालक को जन्म दे सकती है। वो बहुत तकलीफ में है।
मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी जगह हमें दे दीजिए जहाँ हम सिर छुपा सकें। मैं समझता हूँ भले इंसान, पर मेरे यहाँ एक अस्तबल खाली है, वहाँ कुछ भूसा पड़ा है, आप दोनों वहीं विश्राम कर सकते हैं। मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारी कोख में प्रभु येसु हैं और ये जगह उनके जन्म के लिए बहुत खराब है, पर मेरी मजबूरी है, हमें दूसरी कोई जगह नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर हमारा ध्यान रखेंगे, हम उन्हीं की शरण में हैं।
अरे सुनो सुनो जोश, तुम तो कह रहे थे कि ये किसी राजा की कहानी है, राजा कहीं अस्तबल में पैदा होते हैं, ये तुम कहाँ की गप मार रहे हो? मुझे तो पहले ही मालूम था कि ये केवल हमारा समय बर्बाद कर रहा है इन ऊट पटांग बातों से। अस्तबल में पैदा होने वाला दुनिया में शांति कैसे लाएगा भला? अरे भाई, मुझे तो लग रहा था कि तुम शायद सुनोगे ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। अरे अरे प्यारे दोस्तों, अभी बहुत कुछ सुनने समझने को है। अरे यार चलो सुनाओ, वैसे भी अभी कुछ करने को तो है ही नहीं। और उसी देश में कुछ दूरी पर रात में गड़रिये अपनी भेड़े मैदान में चरा रहे थे। आज की रात कितनी विचित्र है। सही कह रहे हो, मुझे आभास हो रहा है कि कुछ शुभ बात होने वाली है। डरो मत, सुनो, मैं शुभ समाचार लाया हूँ। ये सुसमाचार सभी लोगों के लिए है। तुम सब का भला करने और सही राह दिखाने के लिए दाऊद के नगर में प्रभु यीशु ने जन्म लिया है, जो सबका मसीहा है। बालक रूपी प्रभु पुराने कपड़ों में लिपटे हुए एक अस्तबल की चरनी में हैं। तुम इसी से उन्हें पहचानोगे। उस चमकदार तारे को देखो और उसकी ओर देखते हुए चलते जाओ, ये तारा तुम्हें प्रभु तक पहुंचाने में सहायता करेगा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो, धरती पर सभी जनों को शांति मिले। चलो हम सब बेतलहम चलें, स्वर्ग दूतों की बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। चलो इस तारे को सहारा बना हम सब प्रभु के दर्शन करें। आज दिन है खुशी का, नाचो रे यीशु चरनी में आया, झूमो रे। आज दिन है खुशी का, नाचो रे यीशु चरनी में आया, झूमो रे। नाचो रे झूमो रे गाओ रे, पैदा हुआ है मसीहा रे। नाचो रे झूमो रे गाओ रे, पैदा हुआ है मसीहा रे। आज दिन है खुशी का, नाचो रे यीशु चरनी में आया, झूमो रे। काली अंधेरी रातों को तारे ने आके रोशन किया, काली अंधेरी रातों को
भोला फरिश्ता गडरियों से आके यीशु राजा पैदा हुआ। चरणी में यीशु का दर्शन किया, आज दिन है खुशी का, नाचो रे यीशु चरणी में आया, झूमो रे। से आए मंजूसी आकर यीशु को सिजदा किया, पूरब दिशा से आए मंजूसी आकर यीशु को सिजदा किया। सोना मुरलोबान चढ़ा कर मुक्ति दाता को दंडवत किया, करें आओ चले हम भी सिजदा करें, मुक्ति दाता के दर्शन करें, आज दिन है खुशी का, नाचो रे यीशु चरणी में आया, झूमो रे। सिहारे नाचो रे झूमो रे गाओ रे, पैदा हुआ है मसीहारे, आज दिन है खुशी का, नाचो रे यीशु चरणी में आया, झूमो रे। अच्छा अच्छा, क्या बात है भाई, स्वर्गदूत ने शांति और प्रेम के बारे में बताया, अविश्वसनीय। पर ये कैसे स्वर्गदूत हैं जो इतनी नीच जाति के और गरीब गडरियों से बात करते हैं? कैसा राजा होगा वो जिसके आसपास गरीब बेघर गडरिये हों? कौन सा राजा ये सब पसंद करेगा? वही राजा जो तुम्हारी और मेरी रक्षा करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर वो हमारी रक्षा करने आए थे तो उन्होंने हमारे पिताजी को हमसे दूर क्यों जाने दिया? क्यों मरने दिया हमारी माँ को? क्यों हमें अनाथ किया? क्यों हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया? मुझे नहीं चाहिए इस किस्म की शांति लाने वाला राजा। भाई, तुम जानकर चकित होगे कि प्रभु यीशु कभी भी उस राजा की तरह नहीं रहे जैसे यहां धरती पर होते हैं। उन्होंने कभी गहने और महंगे कपड़े नहीं धारण किए, बल्कि कितने ही लोग तो ऐसे थे जो उनके जन्म की खबर मिलते ही शिशु अवस्था में ही उनको मार डालना चाहते थे। नहीं जानते तो सुनो। जब बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तब वहां राजा हेरोद शासन करता था, और तभी सुदूर पूरब से यरूशलम तक 3 ज्ञानी पुरुष चलकर आए और पूछने लगे कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है, कहां है वो? हमने दूर पूरब में इस चमकदार तारे को देखा और उसी को देखते हुए
यहां तक आए हैं। हमें उस बालक राजा के दर्शन करने हैं। जब हेरोद ने इन बातों को सुना तो वह विचलित हो उठे और सोच सोच कर आग बबूला होने लगा। जल्दी बताओ मुझे, कहां है ये प्रभु यीशु? कहां जन्म हुआ है उसका? और ये एक बालक एक राजा कैसे हो गया? हे महाराज, नबी की भविष्यवाणी के अनुसार वे दाऊद के नगर बेतलहम में जन्मा है और वही सब लोगों पर राज्य करेगा। नहीं, राजा मैं हूं, मैं राज्य मैं करूंगा। मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा। कहां है वो तीनों ज्ञानी पुरुष? उन्हें तुरंत हाजिर किया जाए। तुम सब तुरंत बेतलहम जाओ। ध्यान रहे, जल्द से जल्द उस नवजात राजा को खोजो और जैसे ही वो तुम्हें मिले तुरंत मुझे सूचित करो। मुझे भी उसके दर्शन करने हैं। चलो चलो। अगर सचमुच ये नवजात बालक परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हमें उनके लिए कुछ उपहार अवश्य ले जाने चाहिए। हाँ, ऐसा उपहार जो राजा के योग्य हो। सोना, मुर और लोबान यही उत्तम होंगे नवजात राजा के लिए। ठीक है, चलो चलो चलो। भरोसा
ना देते यो साथ हमारा, भरते पाप से जीवन हमारा, ना देते यो साथ हमारा, भरते पाप से जीवन हमारा। से मनाए जन्मदिन, आज का दिन ना आएगा फिर, मन में सजा लो उनके तस्वीर, आज का दिन ना आएगा फिर, मन में सजा लो उनके तस्वीर, गीतों से अब लोगों को देते हैं मनाए। नील गगन में निकला एक तारा, चमकाए जग सारा, जन्मा धरती में यीशु हमारा, देगा वो हमको सहारा। वाह वाह, मुझे भी अगर क्रिसमस पर कुछ सोना मिल जाए तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर राजा हेरोद के मन में कुछ अलग ही षड्यंत्र चल रहा था। मुझे उसके बारे में सुनकर पहले से ही शक हो रहा था, लगता है उसकी नीयत ठीक नहीं है। राजा हेरोद नवजात प्रभु यीशु से बहुत ईर्ष्या और घृणा करता था। उसे इस व्यक्ति से नफरत हो रही थी कि उससे भी अधिक ताकतवर दूसरा कोई हो सकता था, इसलिए उसने एक बहुत ही जालिम फरमान जारी किया। मैं राजा हेरोद ये फरमान जारी करता हूं कि पूरे देश में 2 साल या उससे कम आयु के शिशुओं का कत्ल कर दिया जाए। जो भी इस हुक्म की नाफरमानी करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। हाँ।
इतना जालिम, इतनी क्रूरता, वो इंसान नहीं शैतान था। प्रभु येसु तो अभी बालक ही थे। जलन और क्रोध इंसान की सोचने समझने की शक्ति का नाश कर देती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हेरोद के इस फरमान का नतीजा ये हुआ कि वहां सैकड़ों नन्ही जाने कत्ल कर दी गई। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है कि क्रिसमस का शांति से क्या संबंध है। अगर प्रभु येशु पैदा ही ना हुए होते तो भला इतने मासूम बच्चों का कत्ल क्यों होता? और ये 2000 साल पुरानी बात है। अब इसका भला हमसे क्या मतलब? वो अब हमें कैसे शांति प्रदान करेंगे? प्रिय मित्र, प्रभु येशु स्वयं जालिमों के अत्याचार सहते हुए क्रूस पर कीलों से गाड़ दिए गए थे। हमारे पापों की सजा उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। तुम जहां एक सुई के दर्द से घबराते हो, वहां उन्होंने मोटी मोटी कीलों को अपने हाथों और पैरों में गड़वाया था। उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया था। हम सब शांति से रहें, इसलिए उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दे दी थी। बाइबल हमें बताती है, प्रभु सबके आंसू पोछेंगे, ना कोई मृत्यु होगी, ना कोई दुखी, ना रोना और ना ही कोई दर्द, सब पुराने दोष दूर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मुझे माँ पिताजी के लिए दुखी नहीं रहना होगा। और अनाथालय में रहने के कारण स्कूल के बच्चे हमारा मजाक नहीं बनाएंगे। तो हम प्रभु की मुक्ति को कैसे अनुभव कर सकते हैं? तुम्हें प्रभु येसु और उनकी शिक्षा को अपनाना होगा। क्या ये बहुत मुश्किल होगा? नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये जीवन का सबसे आसान कार्य है। तुम्हें दिल से उन्हें अपनाना होगा, उनके प्रति संपूर्ण समर्पण भाव रखना होगा, ये विश्वास करना होगा कि प्रभु ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। हमें अपने पापों को स्वीकारना होगा। मित्रों, आओ अपना जीवन बेहतर बनाए, प्रभु की आराधना करें। गुनहगारों को देने सहारा आया चरणी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा आया चरणी में तारनहारा। मैदानों में दूतों ने गाया पैगाम खुशी का सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया पैगाम खुशी का सुनाया। मरियम की आंखों का तारा आया चरणी में राज दुलारा। मरियम की आंखों का तारा आया चरणी में राज को देने सहारा आया चरणी में तारनहारा। मैं
कानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। आया दुनिया में यीशु जलाली, ये शुभ संदेशा आया। आया दुनिया में यीशु जलाली, ये शुभ संदेशा आया। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारण हारा। हम भी आकर नजरें चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। हम भी आकर नजरें चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। भूखे प्यासों का वो ही सहारा, आया चरणी में तारण हारा। भूखे प्यासों का वो ही सहारा, आया चरणी हजारों को देने सहारा, आया चरणी में तारण हारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारण हारा। आया चरणी में तारण हारा, आया चरणी में तारण हारा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, मुझे ऐसा व्यक्ति बनने का कोई शौक नहीं। ऐसा करने से तो बच्चे स्कूल में मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। वैसे ही कोई परेशानियां कम है कि ये एक और अपने सर पर ला दूं? जब प्रभु येसु को क्रूस पर टांगा था, तब उन पापियों ने उन पर खूब छींटा कशी की थी, खूब हंसे थे उन पर। उन्होंने वो सब दर्द इसलिए सहा ताकि हमें जीवन में कोई दर्द ना हो। वो चाहते थे कि हम पाप से बचे रहें। क्या तुमने सुना है कि किसी ने गैरों के लिए तो क्या अपनों के लिए ऐसी कुर्बानी दी है? तो 2000 साल से भी अधिक पुरानी उस रात की तरह है जब मरियम, यूसुफ, स्वर्गदूत और ज्ञानी पुरुषों ने प्रभु के जन्म को हर्षोल्लास के साथ मनाया था, एक राजा का स्वागत किया था। वो राजा जो इस अंधेरी दुनिया में शांति का दीपक रोशन करने आया था, उसी शांति के राजा को रॉकी और जॉन ने भी अपने हृदय में महसूस किया। उन्हें निराशामय दुनिया में उम्मीद की एक नई किरण दिखी। क्रिसमस का सूर्योदय उनके अंधेरे जीवन में नया प्रकाश लाया। अब वो अकेले नहीं थे, अब वो भयभीत नहीं थे, प्रभु उनके साथ थे। प्रभु यीशु रूपी गडरिये के वे भेड़ स्वरूप थे। जॉन और रॉकी ने समझ लिया कि ऊपर स्वर्ग जो है वही उनका पिता है, जो कभी उनसे दूर नहीं जाएगा। इस क्रिसमस आइए यही उम्मीद की ज्योति अपने हृदय में जागृत करें, प्रभु यीशु के प्रेम में डूब जाएं। पूरा विश्व आज निराशा, हिंसा, भ्रष्टाचार, अशांति, नफरत, घृणा, धोखा, अविश्वास और अंधकार में छिपा हुआ है।
आइए मिलकर ये काले बादल हटाएं और सुनहरा प्रकाश फैलाएं। शहरी